क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है ये एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के। अच्छा, तो हमें एच एंड के का वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, ये क्या है वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, एंड यह समय मिलेगा एक्स डी वाई। ओके, एक्स डी वाई, अच्छा प्लस यह समय मिल रहा है वाई इंटू एक्स वाई डी एक्स, एंड यहाँ पे मिल रहा है x इंटू एक्स वाई डी वाई। तो हम यहाँ पे से x y को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ये क्या होगा, डी एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, प्लस प्लस है एक्स वाई इंटू, अच्छा इसे हम एक काम करते हैं यहाँ पे वाई डी एक्स इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई क्यूब, ओके, इंटू ये क्या होगा, ये होगा डी वाई बाई, सॉरी डी होगा ये एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई होल स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम यहाँ पे हम एक्स वाई होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, देखो एक्स वाई क्यूब बाई, अब एक्स वाई होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे होगा एक्स होगा एंड यहाँ पे होगा वाई, तो मतलब दिस इक्वल्स टू होगा वाई बाई एक्स, ठीक है। तो वाई बाई एक्स डी एक्स बाई वाई इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई बाई एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई वाई बाई, आप इसे एक्स बाई वाई लिख सकते हो, ठीक है। वाई बाई एक्स को आप वन बाई एक्स वाई लिख सकते हो, इस इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, एक्स वाई होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इससे डिवाइड किया है, ठीक है। तो वन बाई एक्स वाई होल स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो दिस इक्वल्स टू क्या है, एक्स टू पावर माइनस टू इंटू वाई टू पावर माइनस टू। तो यहाँ इसे हमें एच मिल रहा है माइनस टू एंड के इक्वल्स टू माइनस टू, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, एंड बोला गया है इसका सॉल्यूशन है ये, एंड डी वाई डी एक्स टू डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे है फाइव, एंड जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तब वाई का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर प्लस थ्री डी माइनस टू डी, डी को हम लिख रहे हैं थ्री डी माइनस टू डी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी प्लस थ्री इंटू डी माइनस टू, दिस इक्वल्स टू जीरो, एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी इक्वल्स टू मिलेगा माइनस थ्री कॉमा टू, ओके। अच्छा, तो यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वाई इक्वल्स टू सी वन इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स प्लस सी टू इंटू ई टू द पावर होगा टू एक्स, ठीक है। अच्छा, तो वाई एक्स इक्वल्स टू दिस, अच्छा यहाँ पे देखो ई टू द पावर टू एक्स है, एंड यहाँ पे भी ई टू द पावर टू एक्स है, एंड यहाँ पे क्या है लैम्डा है, एंड यहाँ पे है सी टू। तो एक काम करते हैं हम, सी टू की जगह लैम्डा लिख लेते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इंटू ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी वन इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। तो यहाँ पे देखो ई टू द पावर बीटा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वन, एंड यहाँ पे सी वन, तो सी वन इक्वल टू वन, एंड बीटा बीटा इक्वल टू क्या है, तो बीटा इक्वल टू है माइनस थ्री, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल्स टू माइनस थ्री, ओके। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे
यहाँ पे हम डी वाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो डी वाई डी एक्स फाइंड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2λ(2)x एंड -3(-3x। अच्छा, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा तब डी वाई डी एक्स हो जाएगा 5। जब एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा तो ये होगा 2λ-3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, टू दिस इम्प्लाइज 2λ = 8 आ रहा है, तो λ = आ रहा है 4। ओके, अच्छा, तो लैम्डा का वैल्यू है 4। ठीक है, तो y क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज y = आ रहा है 4(e^2x + e^-3x। अच्छा, जब x = 0 होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, 4(e^0 मतलब 1 + e^0 होगा 1, तो दिस = हो रहा है 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स का जगह -dx dy रख देते हैं। ठीक है, -dx dy = 0। तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे आप डी वाई को डी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2dy - y। अब यहाँ पे आप एक्स वाई से डिवाइड कर दो इसे, तो यहाँ पे होगा y एंड यहाँ पे y नहीं होगा तो dx/x होगा। ठीक है, = 0। तो दिस इंप्लाइज, अब आप यहाँ पे बोथ साइड पे इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, 2ln y - ln x = ln c। ln c मान लो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज ln y² / x = c। तो दिस इंप्लाइज ln c = c। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो कर्व है ऑर्थोगोनल, इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है, ये पास हो रहा है इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो 2² / 1 = c, दिस इंप्लाइज c = 4। ठीक है, तो y² क्या है, 4x = 4x। अच्छा, अब देखते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 4, -√2। देखो ये पॉइंट क्या इस कर्व से पास होगा, यहाँ पे आप y के जगह -√2 पुट करोगे तो का 2 = 4 × 4, नहीं, ये दोनों नॉट इक्वल है। बी में दिया गया है 2, -4। अब y के जगह आप ये रखोगे, 4 रखोगे तो होगा 4² = 4 × 2, नॉट इक्वल्स दिस। सी में दिया गया है 2, √2, तो ये वाई के जगह अगर आप 2√2 रखोगे तो 2√2² होगा 8 एंड 4 × 2 होगा 8। हाँ, दोनों इक्वल आ रहा है, तो सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला गया है x + e^x, 1 + x + e^x, ये एक लीनियर सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एंड जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोफिशियंट जो है वो है कांस्टेंट। ओके, एंड y0 दिया गया 3, y′0 दिया गया 4, तो हमें y1 का वैल्यू चाहिए। ओके, अच्छा, अब देखो ये जो सॉल्यूशन है, ये तीन सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखो x सभी में है, x कॉमन है, तो इसका मतलब ये जो yp होगा इस सॉल्यूशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का yp = होगा x। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमें yx बोला गया है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, yx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा, अब yp = दिस, तो yc = क्या होगा, तो yx क्या है, yx हम जानते हैं yc + yp cf + pi। ओके, अच्छा, yc क्या होगा, देखो यहाँ से x तो चला गया है। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों में से देखना है, यहाँ पे है e^x होगा एंड यहाँ पे होगा 1 + e^x। ठीक है, अच्छा, तो एंड yc, देखो yc हम क्या जानते हैं, yc = c1 × e^λ1x + c2 × e^λ2x। ओके, अच्छा, ये कब होगा, जब λ1 एंड λ2 दोनों अनइक्वल है, λ1 ≠ λ2 जब होगा तब होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर λ1 एंड λ2 दोनों इक्वल होता है, मान लो दोनों इक्वल है,
तब क्या होगा, जब लैम्डा वन इक्वल्स टू लैम्डा टू होगा तब क्या होगा, वाई सी इक्वल्स टू होगा सी वन प्लस सी टू इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स लैम्डा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो हमें जो दो सॉल्यूशन मिल रहा है, एक मिल रहा है ई टू द पावर एक्स वन प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ही ई टू द पावर एक्स है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वन है एंड यहाँ पे भी वन है, तो यहाँ पे लैम्डा दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वाई सी कुछ इस टाइप का होगा, वाई सी होगा सी वन प्लस सी टू इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा है वन, ओके। अच्छा अच्छा अब बात करते हैं ये भी नहीं होगा, क्यों ये नहीं होगा, देखो यहाँ पे है x इंटू ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर एक्स नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ये कैसा होगा देखो, तो यहाँ पे वाई सी जो होगा ये होगा ई टू द पावर एक्स सी वन इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस है, तो ई टू द पावर एक्स चला गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या है वन है, तो सी टू इंटू वन होगा, ठीक है। तो हमें वाई सी जो मिलेगा ये मिलेगा सी वन इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू, ओके। अच्छा तो वाई एक्स क्या होगा, वाई एक्स होगा एक्स प्लस सी वन इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू, ठीक है। अच्छा हमें दिया गया है वाई जीरो इक्वल्स टू थ्री तो एंड वाई डैश इक्वल्स टू फोर, तो वाई डैश फाइंड कर देते हैं, वाई डैश एक्स होगा वन प्लस सी वन इंटू ई टू द पावर एक्स, सी टू को डेरिवेटिव करोगे तो जीरो हो जाएगा। अच्छा अब एक्स का जगह जीरो पुट करो तो वाई जीरो इक्वल्स टू क्या होगा ई टू द पावर जीरो होगा वन, तो सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू है थ्री एंड वाई डैश जीरो क्या होगा वन प्लस सी वन इक्वल्स टू क्या है फोर, दिस इंप्लाइज सी वन इक्वल्स टू होगा फोर माइनस वन मतलब थ्री, ओके। तो यहाँ से हमें सी टू का वैल्यू क्या मिलेगा, सी टू इक्वल्स टू होगा थ्री थ्री माइनस थ्री मतलब जीरो, सी टू आ रहा है जीरो एंड सी वन आ रहा है थ्री, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप सी वन एंड सी टू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपको वाई एक्स इक्वल्स टू मिलेगा एक्स प्लस थ्री इंटू ए टू द पावर एक्स एंड सी टू है जीरो, ठीक है। अच्छा तो वाई एक्स हमें मिल रहा है ये, तो वाई वन क्या होगा, एक्स का जगह वन रख दो तो ये होगा वन प्लस थ्री ई, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया गया है वाई एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स, ठीक है, एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमें एंड ये कंडीशन दिया गया है, तो हमें वी माइनस टू का वैल्यू फाइंड करना होगा। जब एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा तब वी इक्वल टू क्या होगा, आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड पुट करिए तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू, ये कन्वर्ट होकर होगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन माइनस थ्री डी डैश प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ओके। अच्छा तो यहाँ पे होगा डी डैश स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस थ्री डी डैश, तो माइनस डी डैश माइनस थ्री डी डैश प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आप डी डैश को कॉमन ले लो तो डी डैश माइनस वन एंड यहाँ से आप माइनस थ्री को कॉमन ले लो तो डी डैश माइनस वन, दिस इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज डी डैश माइनस वन को आप कॉमन ले लो तो होगा डी डैश माइनस वन इंटू डी डैश माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज डी डैश इक्वल्स टू होगा वन कॉमा थ्री, ओके। अच्छा तो यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा वाई इक्वल्स टू सी वन इंटू ई टू द पावर जेड प्लस सी टू इंटू ई टू द पावर थ्री जेड, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड क्या है एक्स प्लस सी टू इंटू ई टू द पावर थ्री जेड होगा एक्स क्यूब, ओके। अच्छा अब आप बोथ साइड पे एक्स से मल्टीप्लाई सॉरी बोथ साइड पे एक्स से नहीं वाई इक्वल्स टू क्या है वी एक्स, ठीक है। अब आप एक्स से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड पे तो होगा सी वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर वी इक्वल्स टू दिस, ओके। अच्छा वी जीरो क्या दिया गया है वन, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा तब वी इक्वल्स टू होगा जीरो, तो वी जीरो इक्वल्स टू दिया गया है जीरो, तो सी वन इक्वल्स टू हमें जीरो मिल गया है, ठीक है। अच्छा अब देखो जब वी वन इक्वल्स टू क्या दिया गया है वन, जब एक्स इक्वल्स टू वन होगा वी भी होगा वन, तो सी वन प्लस सी टू, सी वन है जीरो तो सी टू इक्वल्स टू वन, ओके। अच्छा तो वी हमें क्या मिला है वी इक्वल्स टू वी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अब आप एक्स के जगह
माइनस टू रख दो, तो दिस इंप्लाइज वी माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, एंड ये दो कंडीशन दिया गया है, तो हमें y ऑफ ln 2 का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, जब x इक्वल टू ln 2 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा, एंड ये क्या है, ये है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 y इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो डी स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज डी प्लस 2 होल स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, तो d प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज d इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 कमा माइनस 2। ठीक है, तो हमें y क्या मिलेगा, y इक्वल टू होगा y x इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें dy dx क्या मिलेगा, dy dx इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e टू द पावर माइनस x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा e टू द माइनस 2x इंटू माइनस 2x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा माइनस 2 प्लस, अब इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा c2 e टू द पावर माइनस 2x। ओके, अच्छा अब एक काम करो, x का जगह 0 रखो तो y क्या होगा, 2 इक्वल्स टू एक्स का जगह 0 रखोगे तो ये होगा c1 e टू द पावर 0 होगा 1, तो c1 आ रहा है 2। अब dy dx में x का जगह अगर अगर आप 0 रखोगे तो dy dx हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये होगा c1 इंटू e टू द पावर 0 होगा 1 प्लस सॉरी यहाँ पे एक माइनस 2 है इंटू माइनस 2 प्लस c2 इंटू e टू द पावर 0 होगा 1 एंड c1 का वैल्यू क्या है 2, तो दिस इक्वल्स टू का माइनस 2 इंटू 2 होगा 4 माइनस 4 प्लस c2, तो दिस इंप्लाइज c2 इक्वल्स टू होगा 4। ओके, अच्छा तो हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, वाई एक्स इक्वल्स टू क्या है, c1 है 2 प्लस c2 है 4 एक्स इंटू e टू द पावर माइनस 2x। ओके, अच्छा तो y ln 2 ये वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप x का जगह ln 2 पुट कर दो, अच्छा यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हो। ओके, एंड हाँ 2 को आप यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स होगा, 2 इंटू एक्स क्या है ln 2 e टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स क्या है ln 2। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो कि e टू द पावर माइनस 2 इंटू ln 2 ये क्या है, e टू द पावर माइनस ln 2 स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 स्क्वायर एंड e टू द पावर ln माइनस को हम इसके पावर में ले जाते हैं तो होगा माइनस 2 स्क्वायर। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा e टू द पावर ln 1 बाई 2 स्क्वायर मतलब 1/4, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ln 2 इंटू 1/4, दिस इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 1/4 मतलब हाफ इंटू 1 प्लस 2 इंटू ln 2 एंड दिस इक्वल्स टू होगा 1.193। ओके,